देखिए सर, आप मेरे पावर प्रोजेक्ट पे साइन कर दीजिए ताकि मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूं। देखें, पावर प्लांट के जब तक मैं साइट पे जाऊंगा नहीं, देखूंगा नहीं, तो साइन नहीं कर सकता इस तरह। तो देर किस बात की है, चले मैं आपको पावर प्रोजेक्ट का विजिट करवा देती हूँ। और एक और बात, शाम को एक अच्छी सी पार्टी कर लेते हैं, मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको। मैं पाकिस्तान में तरक्याती कामों के लिए आया हूँ, पार्टी या खाना उड़ाने के लिए नहीं। जब मौका मिला तो आपके साथ पार्टी भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, लेकिन इस मुल्क में सबसे पहले प्रायोरिटी है काम। मैंने काम करना है, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। मुझे ये बताएं कि पावर प्लांट पे कब लेके चलनी है विजिट के लिए? कल सुबह 10 बजे। क्या कहती हो सीमा, क्यों नहीं, जैसा आप बोले। क्या मेरे खिलाफ नकवी? देख लूंगा, भरोसा देने का शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम बॉस, आपने बुलाया। हाँ शहबाज, तुम मेरे सबसे वफादार आदमी हो। तुम्हें पता है कि मैं बड़े खास मौकों पर तुम्हें याद करता हूं। नकवी को तो तुम जानते हो। जी सर। वो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट हासिल करना चाह रहा है। जी। कुछ पैसे उसने एडवांस दिए हैं, लेकिन मुझे अभी इतना मिली है कि वो मुझे जान से मरवाना चाह रहा है। पर क्यों बॉस? उस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है कि वो ये प्रोजेक्ट हासिल कर सकेगा मुझसे। तुम्हें काम करो। ठीक है बॉस, समझे, काम हो गया। एहतियात से। ओके बॉस, जाओ। अब देखता हूं नकवी ये प्रोजेक्ट कैसे हासिल करता है। तुम क्या समझते हो कि तुम अपनी बदमाशी से ये प्रोजेक्ट हासिल कर लोगे? तुम्हें इज्जत रास नहीं है नकवी। ये प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं मिल सकता मिस्टर नकवी। नहीं मिल सकता? ये प्रोजेक्ट मेरा है और मेरा रहेगा। क्या कर दोगे तुम सब मेरा? हाँ, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग मेरा, कुछ नहीं। फिक्र ना करो, अभी रमान भाई आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और याद रखो, हाथ पांव काटना हमें भी आता है। ए, ए, आवाज नीचे, मेरी जगह पर बैठ के मुझे धमकाता है। खामोश। मेरी समझ में एक बात बिल्कुल नहीं आती है। जब भी मैं तुम लोगों को एक साथ देखता हूं तो आप सब एक दूसरे को इस तरह खा जाने वाली नजरों से देखते हो या इस तरह बातें करते हो कि जान के दुश्मन हो। शर्म आनी चाहिए। इस लड़की ने अगर कुछ कहा है तो तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए, बताना चाहिए। जब मेरे पास आते हो तो मुझे बताना चाहिए कि क्या है, क्यों है ये दुश्मनी, क्यों है और एक दूसरे पे इल्जाम क्यों है। वो कहता है कि तुम उसके लिए नुकसान की बात कर रहे हो, मारना चाहते हो। क्यों? तुम क्या तमंग करो, हलाकू हो तुम?
तुम काम को नहीं देखते, अखलाक को नहीं देखते, इन्हीं के साथ तुमने खाया है, पिया है, रहे हो और इन्हीं को तुम नुकसान पहुंचा रहे हो। हैरत है, हैरत है। इसको देखो, उसको देखो, ये तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे तुम्हारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। अब तो 2 करोड़ रुपए काम में अगर कोई सहूलत नहीं है, बात नहीं बन रही, बैठ के बात करो। जब बैठ कर बात करोगे तो कोई हल निकलेगा। इस लड़की को उठा के ले जाओ, ठोकने की बात करो इसको, तो क्या है तुम मुझे मारना चाहते हो? आराम से। अपनी बकवास बंद रख, जानता नहीं है कौन बैठा है। अब इस लड़की ऐसा हाल करेगा कि लग पता जाएगा। वही बातें कर रही है कि मैं समझा रहा हूँ कि कुछ सब्र से काम लो, लेकिन ये भी वही ठोकने ठाकने की बात कर रही है। क्यों, क्या किसी की जान आसान है? तुम अगर गाली देते हो तो ये भी गाली दे रही है। यार मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि दोनों तीनों चारों मिलकर एक पॉइंट पर पहुँचो, एक मकसद पर पहुँचो। वो मकसद क्या है? कारोबार है, अपना काम है, इज्जत है, अपने लोग हैं, मुल्क है। इनके लिए कुछ करो यार, इनके लिए कुछ सोचो। बस इसकी बात बुरी लगी उसको मार दूंगा, उसकी बात बुरी लगी उसको मार दूंगा। ऐसे क्यों यार, कैसे, कब तक? फिर एक दूसरे को मार के क्या मिलेगा तुम लोगों को? क्या मिलेगा तुम्हें? कोई सहूलत है ऐसी? क्या तुम समझते हो कि तुम दोबारा जिंदा रहोगे? यहां भी तुम रोगे, वहां भी जलोगे। निकलो इन दुश्मनियों से यार, निकलो। इस दुश्मनी ने, इन नफरतों ने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया है। हैरत की बात है कि ये जो कुछ कह रही है तुम भी वैसे जवाब दे रहे हो, तुम जो कह रहे हो ये भी वैसे जवाब दे रही है। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा इसके साथ। अगर हिम्मत है ना तुझ में तो हाथ लगा के दिखा। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। मैं बात बनाने की करता हूँ, तुम लोग एक दूसरे को लड़ते हो, वो भी वही जवाब देता है, तुम भी अकड़ कर वही जवाब देती हो। तुम क्यों अकड़ते हो इतना यार, क्या वजह है? क्या ये तुम्हारे अपने लोग नहीं है? मैं कितना समझाता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, तुम अब नॉर्मल हो जाओ, एक इंसान की तरह से। बहुत काम करना है, मैं बहुत काम करना है। सोचो और करो, क्या कर रहे हो तुम यार? एक दूसरे में नफरत तकसीम कर रहे हो, क्या करोगे नफरत करके? मैं तुम्हारे सामने दोबारा हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात को समझो यार। मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, मेरे पास फैसले के लिए आते हैं और मेरी बात मानते भी नहीं हो। अब मैंने जो कुछ तुम्हें कहा है सोचना, इसको जा रहे हो लेकिन सोचना, गौर करना। और मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि तुम लोग भी फट पड़े। आज दावत बुलाया है आपके लिए। क्या मसले चल रहे हैं तुम लोगों के दरमियान, बताओ? इसको समझाएं, इतनी बदतमीजी करता है ये मेरे साथ। नकवी, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये कौन सा नया ड्रामा बनाया है? भाई औरत नहीं, एक नागन है, नागन। तू मर्द है? तू कौन सा मर्द है जो औरतों को धमकियां दे रहा है? समझ नहीं आई बात मेरी। शाह साहब के अकाउंट में मैंने 50 लाख रुपए जमा करवाए थे, लेकिन आपने भी मेरा साथ नहीं दिया और पैसे निकाले। ये प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तुर्की से पाकिस्तान इसलिए आया हूँ कि यहाँ मैं तरक्याती काम कर सकूं, लेकिन यहाँ तो तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हमारी बदकिस्मती है कि जब भी हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा सोचता है, कोई काम करना चाहता है, तो बहुत से ऐसे लोग सामने आ जाते हैं, ऐसे अनासिर सामने आ जाते हैं जो हमारे काम के अंदर रोड़े अटकाते हैं, ताकि हमारा ये काम ना हो और हम मुंतशिर रहें, एक दूसरे के साथ लड़ते रहें और दूसरा दुश्मन फायदा उठा ले, कि हमारे मुल्क में कुछ ना हो, अफरा तफरी हो, लड़ाई झगड़े हो, बहानेबाजी होती है कि जिस बहाने से इसको लड़वा दिया, उसको लड़वा दिया। मकसद इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना है, हर शख्स नुकसान पहुँचा रहा है। तुम इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, तुम भी इधर आओ, तुम सब आओ मेरे पास इधर, तुम आओ इधर आओ, आओ इधर। ये जो है ना, जितने भी मेरे पास आए हैं,
इन्होंने सबक सीखा है तुम लोगों से। ये देखो ये क्या है, छोटे लोग हैं, इनके चेहरे देखो, जिस्म देखो, क्या ऐसा कर सकते हैं? लेकिन इनमें हिम्मत क्यों पैदा हुई है तुम लोगों को देखकर? तुम लोग लूटते हो, खाते हो, समझाते नहीं हो, और तुम्हें देखकर ये भी करप्शन पर आ गए। क्या नहीं लूटते, क्या नुकसान नहीं पहुंचा रहे, सब मिल के मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे, कोई नहीं सोचता, तुमसे सीखते हैं। मैं अब भी तुम्हें कह रहा हूं, नफरतें छोड़ो, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ, गले लगाओ और मुल्क को फायदा पहुंचाओ। ठीक है रमन भाई, मैं तुम्हारे कहने पर इस औरत को छोड़ सकता हूं, लेकिन इसे जरूर उठाऊंगा।